पैसों की लालच में जनता को जहर परोसा जा रहा है और उसका खुलासा हुआ है जब क्राइम ब्रांच की टीम ने गोरखपुर थाना अंतर्गत गुरुद्वारे के पास एक मकान में दबिश दी है और यहां देखा है कि यहां नकली घी बनाने की फैक्ट्री संचालित थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देते हुए मौके से नकली घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को जब्त किया है, तो वहीं डालडा तेल के माध्यम से नकली घी तैयार करवाया जा रहा था। इसमें खुशबू लाने के लिए सेंट का इस्तेमाल किया जाता था। विश्वसनीय मुखबिर की सूचना मिली थी जिसके बाद में कार्रवाई की गई है। तो यहाँ रहने वाले सुरेश गुप्ता अपने घर में लंबे समय से नकली घी बनाने का काम कर रहे थे। ये जो सूचना मिली थी कि सुरेश गुप्ता हादुताल निवासी है, गुरुद्वारा के सामने घर है, तो ऐसे क्राइम को थाना गोरखपुर में सूचना मिली कि नकली घी बनाने की प्रक्रिया यहाँ चालू है। तो यहाँ पे संयुक्त टीम के द्वारा दबिश दी गई, यहाँ पे 60 टीन डालडा और लगभग 50 से 60 किलो एक तैयार घी अभी तक मिला हुआ है और फूड डिपार्टमेंट की टीम बुलवाई है जो अभी इसमें कार्रवाई अंदर कर रही है। उनकी कार्रवाई के बाद पता चलेगा किस तरह का मिलावट करते थे ये। अभी तक पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये जो डालडा है वो तेल और एक एसेंस करके कोई खाद्य सामग्री है, उनको मिला के गर्म करके एक घी तैयार करते हैं। लगभग ये मार्केट में कितना सप्लाई, इसकी जो सप्लाई थी वो कहाँ कहाँ थी जबलपुर में आसपास? सप्लाई के लिए अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद बताएंगे कहाँ कहाँ सप्लाई करेंगे। कुछ बड़े नाम आ रहे हैं किसी बड़े होटल्स वगैरह? अभी तक कोई ऐसी कोई बात नहीं है, पूछताछ के बाद बताते हैं। थैंक यू।